मैं शिव शंकर राय, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियर, आज किसान की भूमिका में कैसे गेहूं की बुआई किया जाता है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा, क्योंकि मैं किसान परिवार से हूं, थोड़ा बहुत मेरे को पता है और कैसे किया जाता है, क्योंकि मैंने अपने मम्मी पापा को देखा है कि गेहूं की बुआई कैसे करते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो गेहूँ में कितना खाद मिलाना है, कितना क्या मिलाना है उसके बारे में बताऊँगा, और खेत कैसा होना चाहिए उसका मतलब मिट्टी किस तरह से होना चाहिए वो भी थोड़ा बताऊँगा। और आज ये देखते हैं हम गेहूँ में गेहूँ कितना है, DAP कितना मिलाना है, जिंक कितना मिलाना है और क्या क्या वगैरह वगैरह मिलाते हैं हम लोग उसमें, फिर गेहूँ की बुआई करते हैं, तो आज हम देखेंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। इस बार हम लोग उत्तम सीड्स का 2967, ये HD कोड हुआ है इसका, 2967 बिच्ची गेहूँ का बुआई करेंगे। ये बिच्ची आप देख सकते हैं यहाँ से, ये किस तरह का बिच्ची है, इसमें ये दाना रहा बिच्ची का, आप इसको थोड़ा अच्छे से देखो, ये बिच्ची रहा। तो हम लोग इसको कैसे बुआई करेंगे देखेंगे थोड़ा सा। हम लोग पर कट्ठा 3 kg गेहूँ इसमें देते हैं, 3 kg और 2.5 kg के कट्ठा DAP खाद देना है, समझे, इसमें मिक्स कर देना है। एक केजी कट्ठा यूरिया खाद डालना है, पर कट्ठा में 1 kg यूरिया, और 1/2 kg कट्ठा पोटास, पर कट्ठा 1/2 kg पोटास डालना है, 1 कट्ठा में 1/2 kg पोटास डालना है। और ये रहा जिंक सल्फेट सर्वोत्तम का, ये ऐसे 250 ग्राम पर कट्ठा दिया जाता है, बट अभी मार्केट में उतना उपलब्ध नहीं है, इसकी मतलब क्राइसिस चल रही है, इसकी वजह से हम लोग अपने हिसाब से जो मन में है, जिस तरह से भात दाल पे घी डाला जाता है ना, उस तरह से हम लोग अभी खेत में डाल दे रहे हैं, तो इस तरह से है। तो देखिए अपना इसको फाड़ने के बाद इस तरह से पूरे मिला के इसका मिश्रण करके सही से, और इस सबको एक साथ, इसको एक साथ मिश्रण करेंगे, सबको पूरे को अच्छे तरह से मिलाना है, सबको गेहूं को, खाद को, पूरे को, सब खाद एक साथ मिश्रण करना है। बढ़िया से इसको मिला दीजिए, और मिलाने के बाद पूरे बढ़िया से इसको ये सारा मिश्रण हो जाएगा, इसमें सबसे नीचे गेहूं था, फिर मैंने DAP डाला, फिर मैंने इसमें यूरिया डाला, यूरिया के बाद फिर जिंक डाला मैंने, और उसका पोटास भी डाला इसमें थोड़ा सा, मतलब 1/2 kg इकट्ठा करके, और फिर सबको मैंने मिलाया अच्छे से, ये सारे मिल जाएंगे, और फिर इसको हम लोग खेत में इसको इस तरह से मिश्रण करके देखो अच्छे से, समझे, इस तरह से मिला के सारा। खेतों में इस तरह से हाल, ये ज़्यादा हाल है, इस तरह से हाल होना चाहिए, क्योंकि ये बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, हम लोग के यहाँ बाढ़ ज़्यादा आता है, तो इस तरह से थोड़ा हाल होना चाहिए, ये ज़्यादा हाल है, मतलब ये मिट्टी देख रहे हैं ना आप, इस तरह से मिट्टी होना चाहिए, मतलब भुरभुरी मिट्टी। अभी तो हम लोग इस पर छींट देंगे, फिर छींटने के बाद फिर इसका एक बार जुताई होगा, और फिर हेंगा डाल के इसको कवर कर दिया जाएगा। तो चलिए अपन आगे देखते हैं किस तरह से फिर इसको छिटाई करते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग गेहूँ की छिटाई करते हैं और बुआई करते हैं, इस तरह से हम लोग गेहूँ की बुआई करते हैं कि खेत में ये छींटा जाता है, और छींटने के बाद फिर ये अब हम लोग खेत की जो छिटाई है वो सारे ख़त्म करके हम घर जाएंगे, हम लोग हो गया खेत में सारा बुआई कर दिया। आप लोग से निवेदन है, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ बेल आइकन जरूर दबाना,